मनी इंडिया सॉरी जर्मनी चाइना 72 घंटे एक बार चार्ज करने के बाद। गाइस जहां तक बात करें यार गाने सुनने के लिए मोबाइल या किसी भी तरह के गैजेट से, तो यहां पे खास कर हम लोग यूज़ ज़्यादातर क्या करते थे, एयरफोन। लेकिन अब इसका ज़माना ख़त्म हो चुका है, इसका ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, अब आ चुका ज़माना जी हां एयरबड्स का। अब एयरबड्स तो काफ़ी सारे मार्केट में है, लेकिन उसकी प्राइस इतनी है कि लोग नॉर्मल से अगर परचेस करने जाते हो 1000 से कम प्राइस में कोई बेस्ट यहाँ पे एयरबड की तलाश कर रहे हो तो उनको ज़्यादातर नहीं मिल पाता है, क्योंकि 1000 से कम में आपको ज़्यादा कुछ एयरबड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फाइनली एक ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने एयरबड्स को फाइनली लॉन्च कर दिया है और ये एयरबड्स आपको 1000 से काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है, और एक मॉडल नहीं काफ़ी सारे मॉडल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और जिस कंपनी का नाम है यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर ट्रू की। अभी दोस्तों बात करें इस कंपनी का सफर, तो कुछ अजीबोगरीब इसका सफर है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियोस में। तो चलिए पूरी डिटेल जानेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसके रिव्यू भी जानेंगे कि मुझे कैसा लगा फाइनली मेरे पास आने के बाद, मैंने जब यूज किया इसको, क्योंकि एक हफ्ते से मैं इसको यूज कर रहा हूं, और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पे बने रहना। तो चलो, मैं चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो नीचे जाओ, आपको रेड रंग का बटन नजर आएगा सब्सक्राइब, उस पर सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, जिससे इस तरह की वीडियो की जानकारी हमेशा आपको मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। हाँ, वीडियोस लाइक नहीं किया है, वीडियोस को सबसे पहले लाइक जरूर कर दो। तो चलिए देखते हैं, सफर करते हुए इंडिया पहुंचा, लेकिन उससे पहले इसको एक अनबॉक्सिंग भी कर दिया जाए कि इसके अंदर आखिर है क्या, कैसा ये दिखता है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है बॉक्स में देखने लायक, ज़्यादा कुछ पढ़ने पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, सिंपल सा जो कुछ है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाता है, देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ TWS इंस्टेंट पेयरिंग सिक्योर फिट डीप बास 5 mAh की चार्जिंग केस, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बताया गया है जो यहाँ पर बॉक्स पर हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद मैं अगर मैं बात, और साथ में आपको यहाँ पे एक ये भी दिया जाता है, देख सकते हो, वाह काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे टाइप सी आपको चार्जिंग यहाँ पे केबल दिया जाता है, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी प्राइस के अनुसार मैं बात करूँ यहाँ पे टाइप सी तो काफ़ी एक अच्छा सा अनुभव आपको देखने को मिल जाता है इसको लेकर। तो चलिए इसको हम फिलहाल साइड करेंगे, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस सिंपल सा बॉक्स, इसको साइड करेंगे, और कुछ इस प्रकार है का है, देख सकते हो। सबसे पहले तो इसको ओपन किया जाए, चलिए मैं आपके सामने ही इसे ओपन करता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, तो काफ़ी अच्छा सा लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि देख सकते हो ट्रू की ब्रांडिंग। तो चलिए इसको निकाल भी लेते हैं, और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे बॉक्स की जहाँ तक बात करूँ, आपको यहाँ पे दो यहाँ पे मैग्नेटिक तरह से यहाँ पे चिपक जाता है जो एयरबड है। और देख सकते हो तो ये बॉक्स में कुछ इस प्रकार मिलता है, यहाँ पे कुछ डॉट डॉट LED यहाँ पे बीच में आपको देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पे चार्जिंग चीज़ों को इंडिकेट करती है कि कितना परसेंट ये चार्ज है, कितना परसेंट चार्ज नहीं है। और यहाँ पर आपको राइट लेफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पर राइट लेफ्ट इस तरह से लिखा हुआ मिल जाता है दोनों साइड। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस केस को इस तरह से बंद करते हो तो कुछ इस प्रकार आपको आवाज़ आने वाली है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे कोई आपको मैग्नेटिक टाइप का कोई लॉकर यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब मैग्नेटिक लॉकर में क्या होता है, सिंपल से इस तरह डालते हो खुद ब खुद चिपक जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको दबाना पड़ेगा और एक आवाज़ भी आएगी कि नहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर दबाने के साथ कहीं ना कहीं जाके शिफ्ट हो रहा है, ओके मतलब लॉक्ड हो रहा है। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। और जहाँ तक बात करें आपको पीछे की तरफ यहाँ मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, देख सकते तुम यहाँ पे टाइप सी का सपोर्ट दिया गया, तो काफ़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक मैंने इसको चार्ज करके देखा था, एक चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि ये फास्ट चार्जिंग, अगर मैं नहीं बोलूँ तो ये शायद गलत होगा, मतलब फास्ट चार्जिंग अप्रोक्स कुछ ना कुछ से सपोर्ट ये करती है, तो थोड़ा फास्टली चार्ज होती है, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि टाइप सी का भी सपोर्ट मिल जाता है। और इसकी प्राइस काफ़ी आश्चर्यजनक है, जो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इस प्राइस रेंज में आपको टाइप सी कोई दूसरा कंपनी यहाँ पर आप लोग को नहीं देने वाला है चार्जिंग, ओके तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे 700 से 800 रुपये अप्रोक्स अभी ये सेल हो रही है, तो काफ़ी बड़ी बात है, इस प्राइस में आपको अगर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है तो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। तो इस तरह से ये खुद ब खुद चिपक जाता है, देख सकती हूँ ये चिपक चुका है, और चिपकने के बाद देख सकते हो ये LED यहाँ पर फ्लैश करता है कौन कितना चार्ज है, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को।
अब इसको जैसे ही निकालोगे और इसको जहां तक मैंने कनेक्ट किया अपने फोन से ब्लूटूथ के थ्रू, तो काफी आसानी से ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे अनबॉक्सिंग, तो ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ तक जो मैंने आप लोग पहले स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे इसका सफर कुछ इस प्रकार रहा, क्योंकि ये जर्मनी कंपनी है, जी हाँ जर्मन कंपनी है, और ये जर्मन कंपनी है और इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है चाइना में, तो और उसके बाद इसको ब्रांडिंग करके जहाँ तक सेल की बात है वो इंडिया में की जा रही है। तो काफी लंबा सा इसका सफर हो गया। जी हाँ, जर्मनी इंडिया, सॉरी जर्मनी चाइना इंडिया, तो कुछ इतना लंबा सा इसका सफर है, उसके बाद ये इंडिया पहुंची है और मुंबई के थ्रू अब पूरे इंडिया में इसको सेल किया जा रहा है। अब इसको खरीदना अगर चाहते हो तो एक चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले कंफर्म कर दूं, ये हो सके आपके कान में अनफिट आ सकता है, क्योंकि मेरा जहां तक सवाल है, मेरे तो कान में तो सही से आ गया, क्योंकि शायद मेरा कान थोड़ा बड़ा क्या है, तो इस तरह देख सो काफी अच्छे तरह से यहाँ पे सेट आ गया मेरे कान में, तो शायद हो सके आपको ये प्रॉब्लम आ जाए। थोड़ा निकल भी गया तो थोड़ा सा इस तरह से, हाँ देखो गिर नहीं रहा है, तो काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पे सेट तो आ गया। और जहाँ तक इसकी बास क्वालिटी की है, मतलब देख सकते हो आजकल बूफिंग वगैरह लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, तो यहाँ पे बास काफ़ी अच्छा सा आपको मिल जाता है, क्योंकि अगर इस प्राइस रेंज में अगर आप चाहोगे एक प्रीमियम क्वालिटी, तो प्रीमियम क्वालिटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एवरेज काफ़ी अच्छा आपको बास क्वालिटी यहाँ मिल जाती है, तो अगर इस प्राइस के अनुसार ये जो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है बेस्ट है, तो ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब इसको खरीदना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट आपको अमेजन पे भी मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, तो अभी जो ऑफर मिल रहा है मतलब 600-700-800 यही अप्रॉक्स की प्राइस रहने वाली है, और इस ऑफर के थ्रू इसको खरीदना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों का लिंक वहाँ पर मौजूद है, तो आप जाके नीचे चेक करो। तो और ज़्यादा कुछ आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं चाहूँगा आप कमेंट्स कर लो, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है और मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया कि थोड़ा सा अनफिट होता है ये कान में, तो आपके कान से ये थोड़ा सा हो सकता है कि गिर भी सकते, क्योंकि जिम वगैरह आप करते हो थोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों जहाँ तक बात रही, मैंने आप लोगों को ये चीज़ तो कंफर्म कर दिया कि आपको अगर कान में लगाते हो सके अनफिट का प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी कुछ डिज़ाइन इस प्रकार है, देख सकते हो डॉल्फिन डिज़ाइन ऐसा बोला गया है, और कुछ डॉल्फिन की तरह से ही देखने को लग रहा है जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे इसका डिज़ाइन किया गया है, तो हो सके जर्मन लोगों को देखते हुए ध्यान में रखते हुए, उनके कान के ध्यान में रखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया हो, हालांकि मेरे कान में ये तो फिट आ गया। अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे वाटर असिस्टेंट तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिली है, तो अगर आप इसको पानी वगैरह में यूज़ करते हो, पानी वगैरह इसमें ज़्यादा है तो ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इस प्राइस में तो ये उम्मीद आप नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ तक बात करें इसी फीचर्स की, तो इस फीचर्स में आपको सबसे पहले मैं बता दूँ ब्लूटूथ 5.0 का यूज़ किया गया, तो काफ़ी अच्छी बात है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हालांकि 5.1 आ चुका है लेकिन 5.0 भी बेस्ट है। अब सेकंड में बात करूँ कनेक्टिविटी, तो आप 10 मीटर तक इसको लेकर यूज कर सकते हो, मतलब 10 मिनट दूर आपका फ़ोन भी है फिर भी ये कनेक्ट अच्छी तरह से वर्क करेगा, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, और साथ में ये चीज़ बॉक्स में भी देखने को मिली है। और सेकंड बात करें चार्जिंग टाइम, तो अगर केस को आप चार्ज करते हो तो 90 मिनट आपको टाइम लगेगा केस को चार्ज करने में, मतलब 1.5 घंटे का समय यहाँ पर लगने वाला है अगर इस केस को आप चार्ज पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो। और सेकंड प्लेबैक टाइम, तो 4.5 घंटे तक एक बार चार्ज करके यूज किया जा सकता है इस एयरबड्स को, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। और दरअसल इस एयरबड की जहाँ तक बैटरी का सवाल है, इसमें 40 mAh की बैटरी का यूज किया गया है, तो एक काफ़ी अच्छी लाइफ ही आपको देखने को मिल जाती है, मतलब लंबे समय तक सिंपल सा आप इसको यूज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें जो केस में बैटरी लगभग 500 mAh की बैटरी का यूज किया गया, तो काफ़ी बड़ी बैटरी आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाती है। यहाँ इस केस में एक बार अगर आप चार्ज करके इसको फुल चार्ज करके अगर कहीं आप रखते तो स्टैंड बाई टाइम आपको, जी हाँ 72 घंटे मिलने वाला है, तो काफ़ी बड़ी टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और काफ़ी लंबे समय तक ये बैटरी यहाँ पे एग्जूम करके ये रख सकता है 72 घंटे एक बार चार्ज करने के बाद, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैकअप देखने को मिल रहा है। और चार्जिंग इंटरफेस की मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बात बता ही दी कि यहाँ पे टाइप सी का यूज़ किया गया, तो काफ़ी अच्छी बात है, तो इसे आप वजन करके देख भी सकते हो, जी हाँ 48 ग्राम, तो कोई ज़्यादा नहीं, काफ़ी लाइटली वेट है, तो काफ़ी बेस्ट है, इसके लिए लाइक तो बनता है यार। दोस्तों फाइनली आप उसको खरीदना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके आसानी से ऑफर का लाभ उठाकर फ्लिपकार्ट या अमेजन दोनों का यहाँ पर नाम मेंशन मैंने कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहीं से जाके आप परचेस कर सकते हो। जहाँ तक मैं बात करूँगा आप अमेजन से परचेस करो तो बेहतर है, क्योंकि फ्लिपकार्ट हो सके इसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा आ जाए, तो आप एक बार अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों को चेक कर लेना।
तो जहां तक बात रही दोस्तों इसकी रिव्यू की, मैंने सारी चीजें आपको बता दिया, आपको क्या लगता है ये तो आप खरीदने के बाद ही बता पाओगे। हाँ, किसी तरह की प्रॉब्लम आओ इसके बारे में कोई और जानकारी लेना तो आप हमें इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो कि क्वालिटी कैसे आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये चीज़ सारी मैंने आपको डिस्कस यहाँ पे कर ही दिया। लेकिन फिर भी कोई आपको डाउट्स हो जाते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, लिंक मौजूद है और आपको यहाँ फ्लैश भी करोगे हमारे इंस्टा का आईडी, वहाँ पे आप जाकर हम पर मैसेज करके किसी तरह की जानकारी आप ले सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा, चाहूँगा यार वीडियोज़ को लाइक कर देना, फुल प्लेस के अपडेट और वीडियोज हमारे देखने के लिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल के लिए दोस्तों यहीं तक वीडियोस होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय, टाटा।